जहरीली शराब पे कल भी हमने जो है शराब सवाल उठाए कई शराब फोन पीछे पूरा फेलियर है नीतीश कुमार। अगर बिहार विधानसभा में लेकर खाली पड़ने मिल रही है तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है, कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं, पर प्रशासन के लोग मिले नहीं यहाँ अंदर कैसे या बॉर्डर से पटना कैसे पहुंचे, ये पूरे बिहार में नहीं मिल रहा तो बिहार विधानसभा में बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए तो आ ही नहीं सकता, वहां क्या शक्तियां लगा। ये लोग पूरी तरीके से शराब माफियाओं के साथ मुख्यमंत्री का तस्वीर भी देखा, केवल पीछे इनके कई नेता एमएलए जो है नशे में नजर आते हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, भ्रष्टाचार की छूट है, शराब की छूट है, अपराध करने की छूट है नीतीश कुमार जी के विधायक और मंत्रियों को, लेकिन कार्रवाई और सुनवाई एकदम नहीं हो सकती क्योंकि बिहार में कहा 15 साल बेमिसाल, देख लीजिए कितना बेमिसाल तरीके से धड़ल्ले से बिहार विधानसभा शराब की बोतल पहुंच गई, बिहार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, मोदी जी ने, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, गुर्बत, पलायन, ना रोजी ना रोजगार, ना कारखाने, ना शिक्षा, ना चिकित्सा, ना दवा, ना इलाज, कुछ नहीं, पूरी तरीके से चौपट करते हैं लोगों ने। अब अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जहाँ मुख्यमंत्री खुद बैठा है, कितना मीटर होगा मुख्यमंत्री चैंबर से, थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, 100 मीटर भी नहीं होगा। आप समझे कि मुख्यमंत्री जाने तक कितनी किलोमीटर तक सुरक्षा घेरा रहती है, तो आप समझ सकते हैं। होम मिनिस्टर कौन है भाई, बिहार का होम मिनिस्टर का सोया हुआ है क्या, कौन है होम मिनिस्टर बिहार के, नीतीश कुमार जी के पास ही है मंत्रालय, तो पूरी तरीके से और कोई दोषी नहीं नीतीश कुमार जी, पुलिस को ना जिम्मेदारी दे रखी है शराबबंदी रोकने की, पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है, नीतीश कुमार जी के अंतर्गत कुछ नहीं, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए और तुरंत इस्तीफा का पेशकश करना चाहिए उनको, अगर बिहार विधानसभा में जहां मुख्यमंत्री के सुरक्षा में कई किलोमीटर गाड़ियां रोक दी जाती हैं जब वो सड़कों से निकलते हैं, तो यहां तो पूरी छावनी है, अब ये काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये बड़ा अद्भुत बात है। आप लोग ऊपर शराब बेचने के आरोप लगते रहे हैं, नौ बार बैठकें हो चुकी हैं सर, समीक्षा बैठक जिसमें शराब आराम से बेची जा रही थी, क्या कहेंगे इस पर की लगातार अब ऐसी जगह पे जहां से शराबबंदी का कानून पारित हुआ वहीं पर जब मिल रही है शराब, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा जी, जो आपके मन में जो सवाल है वो हम लोगों के भी मन में सवाल है, लेकिन सवालों का जवाब देगा कौन, अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे हमको पता नहीं है, अब तक तो पता लग जाना चाहिए, जाके देख लीजिए कैंपस, तार आ रहा है, किसका तार आ रहा है, ये तार आ रहा है, तार है, तार किया पूरा, कुछ भाई तार दबा लो, बाद में पता चले बोलेंगे कोका कोला का बोतल था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जाके देख लीजिए क्या है, आप सील, सील होनी चाहिए तेजस्वी जी, जगह सील होनी चाहिए, मकसद ये था कि
हम लोग तो नशा मुक्त पक्ष में, पक्ष में हम तो हम लोग तेजस्वी जी, केके पाठक को क्या जवाब देना चाहिए इस पे? नया आयुक्त बना के लाए गए थे, केके पाठक को क्या जवाब देना चाहिए? नीतीश कुमार इस बार क्या बहाने बनाएंगे? मुख्यमंत्री जी कहीं और हैं, इत्मीनान से चैम्बर में बैठे हुए हैं ना। अरे कोई काम कर रहे हैं, चैम्बर में बैठ करके बतिया ना रहे हैं। बाहर निकल के बोतल नहीं देखना चाहिए, आए बाहर जाके बोतल देखे। तेजस्वी जी, अभी मुजफ्फरपुर में 26 लोग का आग का रोशनी चला गया। बोल रहे हैं रमन, मुझे रमन रमन इसको। अरे भैया आप हमेशा डिस्टर्ब क्यों करने आ जाते हैं? भैया आ रहा था भाई, क्या कर रहे हैं भैया? सुजीत भैया बोल रहे ना, रमन हाथ। एक मिनट चलिए, चुप रहिए, कुछ नहीं आएगा। हल्ला बंद फिल्म बन रही है। ये हीरा भैया बाइक लंदन कहाँ से? ये पिक्चर नहीं बनाया, सच्चाई हम चुप के साथ सच्चाई के साथ। ये तो सवाल खड़ा होगा कि जहरीली शराब पे कल भी हमने जो है शराब बसी फोन पीछे रखे बोल रहे। दिस इज पूरा फेलियर है नीतीश कुमार। अगर बिहार विधानसभा में लेकर खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है, कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं, पर प्रशासन के लोग मिले नहीं यहाँ अंदर कैसे पहुंचे, या बॉर्डर से पटना कैसे पहुंचे, ये पूरे बिहार में नहीं मिल रहा। तो बिहार विधानसभा में बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए तो आ ही नहीं सकता, वहां क्या शक्तियां लगा। ये लोग पूरी तरीके से शराब माफियाओं के साथ मुख्यमंत्री का तस्वीर भी देखा, केवल पीछे इनके कई नेता एमएलए जो है नशे में।